अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो जनाब, कौन सी एयरलाइन की टिकट ज़्यादा सस्ती होती है? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कंपैरिजन करके, सेम हम डेस्टिनेशन लेंगे एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक, सेम हम कंट्री लेंगे और फिर चेक करेंगे उस कंट्री में, सेम हम सिटी लेंगे और चेक करेंगे कि वहाँ जितनी भी एयरलाइंस ऑपरेट होती हैं उनमें से सस्ती कौन सी है। तो सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ। वीक मैंने सेलेक्ट किया है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, यानी 30th अक्टूबर मैंने सेलेक्ट किया है, मंडे। इसमें अगर हम, और एयरपोर्ट सेलेक्ट किया है जद्दा टू इस्लामाबाद। तो अब हम फ्लाइट्स का कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट एयरलाइंस का। तो जद्दा से इस्लामाबाद भी आइए कि आप देख सकते हैं प्राइस फॉर 30th अक्टूबर यानी मंडे वाले दिन 37,000 है, 37,375 रुपीज़। ठीक हो गया। और ये जो है ये नॉन स्टॉप है। अब हम चेक करते हैं फ्लाइनास। अब हम चेक करते हैं फ्लाइनास। फ्लाइनास पे हम जाएं तो 30th अक्टूबर के लिए जद्दा से इस्लामाबाद के लिए जो हमारी प्राइस है वो है 511 सऊदी रियाल, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो वो 37,524 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली बनते हैं। तो PIA के भी 37 थे, तो फ्लाइनास के भी आप देख सकते हैं 37 अप्रोक्सीमेटली बन रहे हैं। देन हम आते हैं एमिरेट्स की तरफ। एमिरेट्स का जब हम चेक करेंगे जद्दा टू इस्लामाबाद, तो एक तो इसमें वन स्टॉप है और दूसरा 982 सऊदी रियाल्स इसकी जो चार्जेस हैं अगर हम उसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीस में, तो वो तकरीबन 72,000 की टिकट होगी आपकी एमिरेट्स एयरलाइंस पे अगर आप टिकट बुक करवाते हैं। अब हम आते हैं सऊदी एयरलाइंस पे। सऊदी एयरलाइंस पे जब जद्दा टू इस्लामाबाद 30 अक्टूबर के लिए सर्च करेंगे तो उसकी जो टिकट प्राइस है वो है 83,000। नॉन स्टॉप फ्लाइट है। उसके बाद अगर एक स्टॉप होगा फ्लाइट में तो 81,000 की होगी। देन हम आते हैं एयर सियाल की तरफ। एयर सियाल की जद्दा टू इस्लामाबाद के लिए जो टिकट प्राइस है वो है 45,473 रुपीज़। तो PIA की 37 थी अप्रोक्सीमेटली और इसकी 45 है। देन हम आते हैं एयर ब्लू की जानिब। एयर ब्लू की जो प्राइस है, एक तो ये कि ये नॉन स्टॉप फ्लाइट है जद्दा टू इस्लामाबाद, और इसकी जो प्राइस है वो है 624 सऊदी रियाल, 624 सऊदी रियाल को अगर जब हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये तकरीबन 46,000 अप्रोक्सीमेटली जो है वो बन जाती है एयर ब्लू की जो टिकट प्राइस है। देन हम आते हैं सरीन एयर की जानिब। सरीन एयर की टिकट प्राइस जद्दा टू इस्लामाबाद के लिए जो है वो, ओके, 30 अक्टूबर को नहीं जा रही, ट्यूसडे 31 अक्टूबर को जा रही है, उसकी प्राइस है 33,000। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये रेट्स इसके कम है। तकरीबन अभी तक जितना भी हमने कंपेरिजन किया है टिकट प्राइस में, PIA का भी हमने किया है, फ्लाइनास का, एमिरेट, सऊदी एयरलाइंस, एयर सियाल और एयर ब्लू वगैरह, इन सबसे जो कम रेट है वो है सरीन एयर का, जिसकी टिकट प्राइस है 33,300 जद्दा टू इस्लामाबाद फॉर द 30th अक्टूबर 2023। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से इस्लामाबाद टर्मिनल की जानिब आना है आपने, तो आप सरीन एयर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इनके रेट्स काफ़ी मुनासिब नज़र आ रहे हैं। ओके इसके अलावा लास्ट पे हमारा है कतर एयरवेज़। कतर एयरवेज़ का अगर हम एस्टीमेट लगाएं, सऊदी जद्दा सऊदी अरेबिया टू इस्लामाबाद 30 अक्टूबर के लिए, तो इनके जो रेट्स हैं वो हैं 1410 सऊदी अरेबिया रियाल, सऊदी रियाल। तो हम इसे अगर कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीस में तो ये तकरीबन बन जाएंगे 1,541,100, 1 लाख रुपीस की आपको ये टिकट मिल जाएगी इनकी, कतर एयरवेज की। अभी तक जो हमने कंपैरिजन किया उसमें सबसे जो चीप रेट है वो है सरीन एयर का, जो कि हमें प्रोवाइड कर रहे हैं
33,000 में जद्दा टू इस्लामाबाद। तो होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी।